नेशनल 24, कहां क्या हुआ, किसने क्या कहा, कौन सी खबरें बनी सुर्खियां, देश प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ देखते रहिए हमारा खास बुलेटिन नेशनल 24। नमस्कार, नेशनल 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुधीर बिश्नोई। देखते हैं आज की बड़ी हेडलाइन। अब खबरें विस्तार से। जोधपुर में मनाए जाने वाला ऐतिहासिक रामनवमी के पर्व संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन होली गुजरते ही सक्रिय हो गई। आज जोधपुर के पुलिस लाइन सभागार में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एडीसीपी ट्रैफिक रवि कुमार ने की। इस दौरान उनके साथ डीसीपी पूर्व मोनिका सेन, डीसीपी धर्मेंद्र कुमार भी मौजूद रहे। इस बैठक में शहर के विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी, सभी डीजे संचालक, अखाड़ा समिति के पदाधिकारी भी शामिल हुए। पदाधिकारियों से राम नवमी के पारंपरिक तरीके से बाबत जानकारी ली गई। उन्होंने सरकारी नियमों से अवगत कराते हुए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार उनके आधार पर डीजे साउंड निर्धारण पर अमल करने के आग्रह भी किया गया। कहा गया कि निर्धारण से डेसिमल से उस पर अमल करें और उनके दायरे में साउंड बजाएं। डीजे के द्वारा किसी भी जाति या संप्रदाय नहीं किया जाए, क्योंकि ऐसा करने पर चुनाव आयोग द्वारा लागू मॉडल पर उनके कोड ऑफ कंडक्ट की अवहेलना होगी। कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत अपने चुनाव के दूसरे दिन आज जोधपुर के शास्त्री नगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के दफ्तर पहुंचे। वहां पर उन्होंने कार्यकर्ता से शिरकत की। इस अवसर पर संबोधित करते हुए वैभव गहलोत ने कहा कि घर घर जाकर कार्यकर्ता को जगाना होगा, सभी मिलजुल कर प्रयास करेंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि कांग्रेस जनता के साथ जनसंपर्क कर रहे हैं, उनके चलते हुए उन्हें लगा कि मंजिल अवश्य हासिल होगी। लेकिन फिर भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि लोकसभा क्षेत्र के अंतिम कांग्रेस के रीति नीति और हाल ही में उनके 3 महीने में राजस्थान की कांग्रेस सरकार द्वारा कराए गए सभी कार्यों को आमजन को बताना होगा। विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा करना शुरू कर दिया है और राजस्थान की जनता के विकास के लिए कोई निर्णय ले लिया जाएगा। इस अवसर पर शहर विधायक मनीषा पंवार, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शहीद अंसारी, कांग्रेस नेता कांसीराम विश्नोई, सुनील परिहार, अनिल टाटा ने भी शिरकत की। दिल्ली में भी 3 मूर्ति भवन के सामने जो सर्कल है उसमें इनकी मूर्ति स्थापित हुई है और आज उनको हमने नमन किया। कल भी ये प्रोग्राम था, कल हम किसी कारणवश नहीं आ पाए और आज जोधपुर में विभिन्न जगहों पर प्रोग्राम रहेगा और सभी सीनियर लीडर्स डिस्ट्रिक्ट के और हम सब कार्यकर्ता मिलके आज बाकी का प्रोग्राम करेंगे। अभी ब्लॉक की मीटिंग्स हैं तो आगे इस तरह का प्रोग्राम रहेगा। नहीं, मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी सीनियर लीडर्स डिस्ट्रिक्ट के और सभी कार्यकर्ता मिल के एकता के साथ हम लोग सब चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। 9 तारीख को नामांकन तय किया गया है और प्रदेश स्तर से भी सारे सीनियर लीडर्स यहाँ पे आएंगे और यहाँ डिस्ट्रिक्ट में सारे जो सीनियर और तमाम वरिष्ठ कांग्रेस जन हैं और सभी कार्यकर्ता, अग्रिम संगठन, मेरे युवा साथी, महिला कांग्रेस, सारे लोग नामांकन में हम लोग जोर शोर से साथ रहेंगे। राजधानी जयपुर की वेस्ट पुलिस व क्राइम ब्रांच ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा किया। पुलिस ने हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी फहजान और शाहबाज हैं। मामले का खुलासा करते हुए एडिशनल पुलिस कमिश्नर लक्ष्मण गोड ने बताया है कि बीती 26 जुलाई को झोटवाड़ा इलाके के अमर शर्मा की गोली मारकर हत्या की गई थी। इस मामले में जांच के दौरान पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे फुटेज का खुलासा, अहम सुराग जुटाई और आरोपियों तक पहुंच गए। जब पूरी तरह फोकस किया, बहुत से मामले ऐसे होते नहीं खुलते, उसमें दोबारा अपना दिमाग लगाया जाता है, उसको फोकस किया जाता है तो मामला खुलता है। तभी तो मैं कह रहा हूँ इस टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, इस टीम ने फोकस किया इस मामले पे। आज मोहम्मद जी को पता लगाने का काम मेरा नहीं है, किसी की बात। शराब की दुकान हटाने की मांग। धोरीमाना उपखंड क्षेत्र के धनाऊ बाईपास रोड पर स्थित शराब की दुकान को स्कूली बच्चों व ग्रामीणों ने हटाने की मांग की। धोरीमाना उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। शराब का जहां ठेका बना हुआ है, उनके पास 3 निजी हाई स्कूल व 1 महिला महाविद्यालय बना हुआ है। शराब की दुकान स्कूल व बच्चों के पास होने के कारण अभिभावक बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं। वहीं बच्चों व स्कूल के विद्यार्थियों व अभिभावक ने प्रशासन को धरने व आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं देर रात शराब की दुकान
खुली रहती है। पुलिस शराब की दुकान के पास शराबियों को पुलिस शराब की दुकान पर शराबियों को गिरफ्तार नहीं करती है। ऐसे में भारी भीड़ व स्कूली बच्चों को भविष्य में बाधा बन रही है। शराब की दुकान पर अब बड़ा सवाल उठने लग रहा है। बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये प्रशासन कब तक कार्रवाई नहीं करेंगे। खेजड़ला ग्राम पंचायत में पिछले दिनों सरहद पर शिकारियों द्वारा वन्य जीवों का शिकार करने व स्थानीय व्यक्ति प्रतापाराम माले द्वारा शिकारियों को शिकार करने का विरोध किया, जिस पर शिकारियों ने उनके ऊपर प्राणघातक हमला कर दिया, जिनके बाद उन्हें जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में गंभीर अवस्था में भर्ती करवाया गया। वहां उनकी हालत बहुत नाजुक थी। वन्य जीवों की रक्षा के लिए शिकारियों से लोहा लेते हुए प्रतापाराम अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। आज प्रतापाराम की वन्य जीवों को बचाने हुए अपने प्राणों का नछावर कर दिया, लेकिन पुलिस प्रशासन ने आज तक जिस शिकारियों ने शिकार किया था उन और उनके बाद उन्होंने प्रतापाराम पर प्राणघातक हमला किया था और उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन पुलिस ने अभी तक न तो उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई की है और न ही उन्हें कोई गिरफ्तार किया है। लोगों ने विरोध किया कि शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार करें, जिससे शहीद आत्मा को शांति प्रदान हो सके। ऐसे गरीब व्यक्ति को सरकार द्वारा कुछ आर्थिक रूप से सहायता भी दे, क्योंकि वन्य जीवों के बलिदान देने वाले प्रतापाराम उसी भूमि से हैं जहां पर पेड़ों की रक्षा के लिए 363 लोग पहले ही शहीद हो चुके हैं। सिरोही जिले के माउंट आबू में आज एक युवक की फिर से मोबाइल टावर पर चढ़ गया, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने माउंट आबू की पुलिस को दी, जिस पर माउंट आबू पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची। वहीं आपको बता दें कि कालू नामक यह युवक पूर्व में भी इसी मोबाइल टावर पर माउंट आबू बंद के दौरान टावर पर चढ़ गया था। वहीं बता दें आपको कि कालू नामक यह युवक पूर्व में भी इस मोबाइल टावर पर माउंट आबू बंद के दौरान टावर पर चढ़ गया था, जिसे मान मनोबल कर उतारा गया था। वहीं आज सुबह यह घटना है जब माउंट आबू के चिकन गार्डन पार्किंग में स्थित दो मोबाइल टावरों में से एक टावर पर यह युवक चढ़ गया, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद माउंट आबू पुलिस मौके पर पहुंची। साथ ही मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उप अधीक्षक प्रवीण सैन भी मौके पर पहुंचे और समझाइश के बाद युवक को नीचे उतार दिया गया। वहीं खास बात ये रही कि जब पूर्व में भी मोबाइल टावर पर युवक चढ़ा था तो सार्वजनिक स्थान पर लगे इन मोबाइल टावर को कोई भी आसानी से चढ़ सकता था और इनके आसपास सुरक्षा को लेकर कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है, जिसकी वजह से इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। वहीं प्रशासन को चाहिए कि इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए वहां पर मोबाइल कंपनी द्वारा संचालित इन टावर सुरक्षा के लिहाज से सुरक्षा कर्मी तैनात होने चाहिए, ताकि इस प्रकार की घटनाएं घटित नहीं हो। गुजरात के बड़गाम में सद्भावना ग्रुप के जरिए आज बड़गाम बस अड्डे पर सद्भावना ग्रुप के युवा मित्रों के सहयोग से मिनरल वाटर की सेवाएं शुरू की गई। बड़गाम में हर साल की तरह इस साल सद्भावना ग्रुप के जरिए गर्मी की ऋतु में 4 माह तक लोगों की जल सेवा जारी रहेगी। बड़गाम तहसील में पिछले 3 वर्षों से सद्भावना ग्रुप की प्रेरणा के माध्यम से बड़गाम के युवा हर साल में 4 महीने में बस अड्डे पर गर्मियों में लोगों को ठंडा मिनरल जल प्रबंध कराते हैं। इस काम में सेवारत के लिए शिव मंडप सजावट ने इस अवसर पर मनोरम तंबू बनाने का अवसर का लाभ उठाया। बड़गाम बावनआटा राजपूत समाज के अध्यक्ष श्री भरत सिंह गुलाब सिंह सोलंकी ने गर्मी के समय में पक्षियों के लिए 500 कुंडों का वितरित किया है। इस कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित करने के लिए शामिल हुए हैं। इस अवसर पर सद्भावना समूह के अध्यक्ष हरीश भाई चौधरी, बड़गाम सरपंच श्री भगवान सिंह सोलंकी, डीवी सोलंकी, प्रफुल्ल रावल, कांजी भाई धूलिया, सामन सिंह सोलंकी, योगेश बारोट सहित बड़गाम तालुका के सभी नेताओं ने आयोजकों को विशेष उपस्थिति कार्यक्रम का सम्मान करने के लिए प्रोत्साहित किया। ताज़ा न्यूज अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। न्यूज़ टीवी इंडिया पर।